आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम का अभ्यास करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑडियंस थ्योरम। ऑडियंस थ्योरम के अंदर क्वेश्चन में हमें एक ट्रांजिशन डायग्राम दिया जाता है और उस ट्रांजिशन डायग्राम को हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। और ऐसा हम कैसे करते हैं? ऐसा हम इन स्टेप्स के मदद से करते हैं। अब डायरेक्टली हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और रास्ते में जब जब ज़रूरत होंगी तब तब ये स्टेप्स कैसे कैसे काम करते हैं मैं तुम लोगों को बताते जाऊंगा और फिर फाइनली सारी की सारी चीज़ें तुम्हें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, स्टेप नंबर वन से हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन में जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि एक ट्रांजिशन डायग्राम दी गई है और इस ट्रांजिशन डायग्राम को हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, सिंपल एज दैट, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर वन, ओके। अभी स्टेप नंबर वन में हमें क्या करना है, देखो, राइट स्टेट इक्वेशन बाय लुकिंग एट द इनकमिंग ट्रांजिशंस। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टेट्स है उन स्टेट्स को चुपचाप सबसे पहले लिख लो, Q0, Q1 एंड Q2, राइट, इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हम Q0 को कंसिडर करेंगे। Q0 इस स्टेट के अंदर इनकमिंग कौन से ट्रांजिशंस है, देखो, Q0 इस स्टेट के अंदर ये इनकमिंग ट्रांजिशन है, राइट। Q0 इस स्टेट के अंदर ये इनकमिंग ट्रांजिशन है और तो कोई ट्रांजिशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q1A। Q1A क्यों लिखा? क्योंकि Q1 का इनकमिंग ट्रांजिशन है और वो A है, ओके, इसलिए Q1A लिखा। प्लस यहाँ पे लिखूंगा Q0A। Q0A क्यों? क्योंकि Q0 का इनकमिंग ट्रांजिशन है और वो A है, इसीलिए मुझे कोई शौक नहीं था ऐसा लिखने का, ठीक है। अब Q1, नेक्स्ट स्टेट, Q1 के अंदर कौन से इनकमिंग ट्रांजिशंस है? ये इनकमिंग ट्रांजिशन है, ये इनकमिंग ट्रांजिशन है और ये इनकमिंग ट्रांजिशन है, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले Q0 से शुरू करते हैं। तो Q0B, देखो, Q0B इनकमिंग ट्रांजिशन, Q1B इनकमिंग ट्रांजिशन अगैन एंड Q2B, राइट। सो Q2B खत्म। अब Q2 पे कौन से इनकमिंग ट्रांजिशन है? एक ही इनकमिंग ट्रांजिशन है, विच इज Q1A। हमारा स्टेप नंबर वन खत्म हो चुका है, बट इसमें और एक पॉइंट है और वो पॉइंट ये है कि एड एप्सिलॉन टू द स्टार्ट स्टेट्स इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि देखो, अभी यहाँ पे एक होता है स्टार्ट स्टेट और एक होता है फाइनल स्टेट। ये जो Q0 है वो ऑब्वियसली हमारा स्टार्ट स्टेट होगा और जो Q2 है वो हमारा फाइनल स्टेट है। बट मुझे कैसे पता चला कि Q2 फाइनल स्टेट है? मुझे ऐसे पता चला कि क्योंकि Q2 के आजू बाजू दो दो गोले हैं, Q2 को ज़्यादा इज्जत दी गई है, इसलिए वो फाइनल स्टेट है, ओके। इसका मतलब Q2 फाइनल स्टेट है। बट यहाँ पे फाइनल स्टेट का कुछ लिखा नहीं गया है। एड एप्सिलॉन टू द स्टार्ट स्टेट इक्वेशन, मतलब अभी Q0 स्टार्ट स्टेट है तो Q0 का जो भी इक्वेशन है उसके अंदर हम एक एप्सिलॉन ऐड करेंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है, हमें शौक नहीं था वहाँ पे एक एप्सिलॉन ऐड कर देने का, लिखा गया है तो हमने ऐड किया, ठीक है। अब हम स्टेप नंबर टू के ऊपर जम करेंगे, राइट, स्टेप नंबर टू। हाँ, इन तीनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट। थ्री, स्टेप नंबर टू क्या कहता है? परफॉर्म एनी कॉम्बिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रीअरेंजमेंट एंड अप्लाई ऑडियंस थ्योरम अंटिल वी आर एबल टू गेट द फाइनल स्टेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन तीन इक्वेशंस को कंसिडर करके और जो हमारा ऑडियंस थ्योरम का इक्वेशन है विच इज दिस, इस इक्वेशन को कंसिडर करके हमें चीज़ों को काटना है, खोलना है, जोड़ना है, सब्सट्रैक्ट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, जो करना है वो करना है, ठीक है। और जो करना है करके हमें कुछ ऐसा करना है जिससे ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स रहे, मतलब Q2 इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स आने चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं आना चाहिए। अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट्स का मतलब ए, ये एक अल्फाबेट है, ऐसे अल्फाबेट्स आने चाहिए, अल्फाबेट्स का स्ट्रिंग, ऐसा कुछ हमें करना है। यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे Q1 है, Q1 एक स्टेट है, वो स्टेट नहीं चाहिए हमें, ऐसा, ठीक है। तो अभी हम ऐसा कैसे करेंगे, देखो, अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू Q0B प्लस Q1B प्लस Q2B। अब Q1 इज इक्वल टू, ये हमने क्यों लिखा यहाँ पे? ये हमने इसीलिए लिखा क्योंकि Q1 को ही तो चेंज करना है हमें,
राइट, Q1 को ही हमें इस तरीके से चेंज करना है ताकि यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट्स आए। ए तो यहाँ पे ऑलरेडी था, बचा Q1, तो इसीलिए हमने यहाँ पे Q1 लिखा ताकि इसको हम चेंज कर सके। और फिर चेंज कर करके जो भी आए, अगर वो आखिरी में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो फिर हम उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सके और फिर सारी की सारी चीज़ें अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट हो सके। इसीलिए हमने यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू यही इक्वेशन लिख दिया। अब कैसे हम चीज़ें चेंज करेंगे, देखो Q2 इज इक्वल टू Q1 ए है, तो इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसकी जगह पे, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बनाते हैं और सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3 इन 4, राइट। अब यहाँ पे देखो Q1 इज इक्वल टू Q0B प्लस Q1B प्लस Q2 के जगह पे हम Q1A डाल रहे हैं, सो Q1A और B। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं Q1 और Q1 को कॉमन ले सकता हूँ, एंड द आंसर इज येस ऑफ कोर्स। सो Q0B प्लस B प्लस AB और Q1 कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या ये और ये सेम है, R इज इक्वल टू Q प्लस PR, R इज इक्वल टू Q प्लस PR, देखो R और R सेम है, मतलब सेम है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू आर्डियंस थ्योरम इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये और ये सेम है और अगर हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं तो हम इसको भी R इज इक्वल टू QP क्लोजर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम करेंगे R इज इक्वल टू क्यू, व्हाट दैट इज क्यू, Q0B QP B प्लस AB QP क्लोजर, ओके। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे Q0 है और यहाँ पे भी Q0 है, तो Q0 कॉमन हो सकता है और फिर कुछ निकल सकता है, फिर वो जो निकलेगा ऐसा हो सकता है कि वो भी इससे सिमिलर हो और फिर वो भी हम रिप्लेस करेंगे इनटू दिस, दैट माइट हेल्प बिकॉज रिप्लेसमेंट इज गुड फॉर हेल्थ। आर्डियंस थ्योरम यही तो कहता है, तुम इसको इसके इसमें रिप्लेस करो। तो अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है रिप्लेस होने की या करने की, तो ऑब्वियसली हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, ठीक है। और वैसे भी हमारे पास बाकी कोई रास्ता नहीं है, सो इसको हम इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग 5 इन 1, अब अगर हमने इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा, Q0 इज इक्वल टू Q1, अभी Q1 के जगह पे हमें ये लिखना है, तो Q0B B प्लस AB क्लोजर, और ये जो A है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। बहुत सारे लोग ये A यहाँ पे लिखना भूल जाते हैं, तो ऐसा मत करना, इट्स अ वेरी वियर्ड मिस्टेक। प्लस Q0A प्लस एप्सिलॉन। अब जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था, हम Q0 को कॉमन ले लेते हैं, सो Q0 इज इक्वल टू Q0 को कॉमन लेने से पहले हम एप्सिलॉन लिख लेते हैं, और उसके बाद हम कॉमन का खेल खेलते बैठेंगे। एप्सिलॉन लिख लिया है और हम क्यों लिखेंगे ऐसा, मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। एप्सिलॉन प्लस, ठीक है, अब Q0 को कॉमन लिया जाएगा। सो देखो, अगर Q0 को हमने कॉमन लिया तो A प्लस B इंटू B प्लस AB क्लोजर और A, यही आएगा, और यहाँ पे Q0 बराबर। अब क्या ये और ये सेम है, R इज इक्वल टू Q प्लस PR, R इज इक्वल टू Q प्लस ये हमारा पूरा P और ये R, R R सेम है, देखो तो बराबर है। एंड वन मोर थिंग, अभी क्या तुम लोग को पता चला कि एप्सिलॉन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, अगर मैंने बाद में लिखा होता था तो फिर प्रॉब्लम आ जाता था। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे क्या लिखा है, लेट P एंड Q बी एनी एक्सप्रेशन एंड P इज एप्सिलॉन फ्री, देन द इक्वेशन इज दिस। अगर इक्वेशन ये है तो इसके लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो P है वो एप्सिलॉन फ्री होना चाहिए। क्या हमारा P एप्सिलॉन फ्री है, एंड द आंसर इज येस, हमारे P में कोई भी एप्सिलॉन नहीं है।
तो हमने ये इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई किया या अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन होता था तो हम इस इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, ये इक्वेशन इनवैलिड है, हमें वो एप्सिलॉन निकालना पड़ता था। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि एग्जाम में ऐसा हो सकता है या कभी भी ऐसा हो सकता है इन जनरल कि यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाए और तुम लोग को पता ही ना हो कि एप्सिलॉन को निकालना पड़ता है या एप्सिलॉन नहीं चाहिए पी के अंदर। तो वैसे सिचुएशंस को डील करने के लिए ये चीज़ मैंने बताई। ओके, अब यहाँ पे हमारा आर्डियंस थ्योरम बताना पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे चीज़ों को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये मुझे कैसे पता चला कि इसके बाद ये सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद वो करना है, इसके बाद ये करना है? ऐसा नहीं है कि एक दिन में अचानक से सुबह उठ गया और फिर आर्डियंस थ्योरम अचानक से सॉल्व करना चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें तुम्हारा माइंडसेट बनता है कि कब क्या आना चाहिए या कब क्या करना चाहिए। अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें करने के बाद तुम्हें पता चले कि जो भी चीज़ें तुमने किए दोस थिंग्स वो वेस्ट ऑफ टाइम, एंड देन अगेन तुम्हें फिर बॉक्स वन से शुरू करना पड़े, ऐसा हो सकता है। इसीलिए प्रैक्टिस करो पहले और फिर प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाओ, डायरेक्टली एग्ज़ाम में मत जाओ, ठीक है? प्रैक्टिस करने के लिए या तो देखो, अभी आर्डियंस थ्योरम पे मैंने एक ही वीडियो बना के रखा है यूट्यूब पे, या तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि आर्डियंस थ्योरम पे और प्रॉब्लम सॉल्व करो तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा, या तो तुम मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले बहुत सारे आर्डियंस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये और ये सेम है तो R इज इक्वल टू क्यू पी क्लोजर, तो इसको हम भी R इज इक्वल टू क्यू पी क्लोजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू क्यू पी ए प्लस बी, बी प्लस ए बी ए क्लोजर। अब तुम लोगों को और एक चीज समझने की जरूरत है, वो ये है कि एनीथिंग इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एनीथिंग, तो एनीथिंग इंटू एप्सिलॉन वुड बी इक्वल टू दिस ओनली। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी प्लस ए बी ए क्लोजर, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्यू जीरो इज इक्वल टू, इस साइड में सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं, एक भी स्ट्रेट नहीं है, यही तो हमें चाहिए था। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये क्यू जीरो इज इक्वल टू ये है, हमें तो क्यू टू इज इक्वल टू सारे के सारे अल्फाबेट्स चाहिए थे, तो इसको हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट इसको हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते। अगर हमें ऐसा करना होता था तो यहाँ पे Q0 चाहिए होता था, तो हम ऐसा कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, Q0 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे Q0 के जगह पे, फिर सब अल्फ़ाबेट्स आएंगे, फिर इससे क्या होगा, इससे Q1 इज इक्वल टू सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स आएंगे, और फिर इस Q1 इज इक्वल टू सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को इस Q1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर Q2 इज इक्वल टू सारे के सारे अल्फाबेट्स आएंगे। सिंपल, राइट? सो सब्स्टिट्यूट, इसको हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं, राइट? अब सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 6 इन 5, सो व्हाट द हेल इज 5, Q1 इज इक्वल टू Q0, राइट? सो Q0 इज दिस, दैट इज ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए बी क्लोजर ए क्लोजर, राइट? क्यू जीरो और फिर ये टाप दो उधर वैसा का वैसा, इंटू बी बी प्लस ए बी क्लोजर। सो अभी ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 बन चुका है। अब इस इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, दैट इज Q2 इज इक्वल टू क्यू वन ए, सो दैट इज क्यू वन क्या है, क्यू वन है ये, सो ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए बी क्लोजर ए क्लोजर, राइट? और उसके बाद बी इंटू बी प्लस ए बी क्लोजर, और ये सब इंटू ए, राइट? सो ए Q2 इज इक्वल टू सारे के सारे अल्फाबेट्स का स्ट्रिंग या जो भी जो हमें चाहिए था, बेसिकली जो आर्डियंस थ्योरम डिमांड करता है, जो भी ट्रांजिशन डायग्राम है उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट हमने कर दिया, राइट? क्या हमें करना था, गेट द फाइनल स्टेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट। जो भी फाइनल स्टेट का इक्वेशन था
उस इक्वेशन को हमने अल्फ़ाबेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, जो कि पहले वो नहीं था, पहले उसके अंदर स्ट्रेट था, उसको निकाल के हमने अल्फ़ाबेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यही चाहिए था, यही करना था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बाय।